आज सोचिए ना कि जो जातियों में खंडित सनातन है वो अखंड कैसे हो जाएगा हिंदुस्तान, हाउ कैन बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसे अखंड करना चाहते हैं तो पहले जातियों को जोड़िए, और जातियां थी कहां जो लिए घूम रहे हैं। आप सोचिए ना कि यहां से समूचे अरब चले जाइए, आप वहां पूछिए कौन है, बोले मुस्लिम, बोले धर्म क्या है, बोले इस्लाम। समूचे यूरोपियन बढ़ जाइए, बोले कौन है, बोले रोमन, बोले धर्म क्या है, बोले क्रिश्चियन। आप यहाँ पर आइए दिल्ली में, पूछिए आप कौन है, बोले ठाकुर है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, बनिया है, प्रजापति, जाट है, वाल्मीकि, दलित, क्यों भाई। उतरिए दिल्ली, पूछिए कौन, बोले हिंदू, बात खत्म। यही तो भिक्षा यात्रा है, कुछ मांग नहीं रहे हैं क्या? जातियों में विभाजित सनातन एक होने की भिक्षा नहीं दे सकता? इतना गरीब सनातन तो कभी नहीं था, ना सनातन से जुड़े लोग थे। क्यों कहा था स्वामी विवेकानंद ने पहली बार उतरने पर इस धरती पर, शिकागो से आए थे तो पहला शब्द था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। वो सनातन जगत के लोग भूल कैसे सकते हैं कि उन्हें गर्व नहीं है? और अगर गर्व है तो हिंदू होने में जाता क्या है? क्यों जातियों में बट रहे हैं? और आप जितना जातियों में बटिएगा, हर गली नुक्कड़ पर कटिएगा, निर्णय आप कीजिए।